नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूँ छवि अवस्थी। दोस्तों, राजस्थान की राजनीति के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है। राजस्थान की राजनीति में जो देर रात कल ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद एक उबाल आया था, वो सुबह होते होते बढ़ता चला गया। आज सुबह ही कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और राजस्थान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन सभी वीडियो जो ऑडियो क्लिप्स वायरल हुए हैं उनके बारे में बात की और इस दौरान एक बड़ा फैसला दिया है कांग्रेस पार्टी ने। और वो बड़ा फैसला ये है कि विश्वेंद्र सिंह और वरिष्ठ नेता भंवर लाल शर्मा दोनों को ही पार्टी की प्राथमिक सदस्यता निरस्त कर दी गई है। दोनों को ही पार्टी की जो प्राथमिक सदस्यता थी वो निरस्त कर दी गई है। विश्वेंद्र सिंह खुद एक वरिष्ठ नेता है, बड़ा नाम है, और वहीं भंवर लाल शर्मा कहा जा रहा है दोनों ही इस पूरे मामले में खरीद फरोख्त के मामले में सबसे ज्यादा सक्रिय थे। जो ऑडियो वायरल हुए हैं उसमें भंवर लाल शर्मा की साफ तौर पर आवाज सुनाई दे रही है, जिसमें भंवर लाल शर्मा डीलिंग कर रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत और संजय जैन जो बीजेपी का एक नेता है, जयपुर निवासी है, उनके साथ डीलिंग चल रही है, अमाउंट पे चर्चा हो रही है। साथ ही ये भी स्पष्ट किया जा रहा है कि कौन कौन किस किस को लिस्ट में नाम रखना है, साथ ही किसके लिए डायरेक्ट अमाउंट आएगा। इस तरह की बातें हुई हैं और वो ऑडियो वायरल होने के बाद जो राजस्थान की राजनीति में उठापटक चल रही थी उसमें अचानक घी डालने का ये काम हो गया है। वहीं इसके अलावा अगर और हम बात करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लगातार बयान आए हैं जिसमें महेश जोशी ने भी बयान दिया है और सबका स्पष्ट तौर पर कहना है कि जो बीजेपी का एक खेल था उसका बड़ा खुलासा हो चुका है। बीजेपी का जो एक षड्यंत्र था राजस्थान की सरकार गिराने का, गहलोत सरकार गिराने का, सुरजेवाला ने कहा। जब रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उस दौरान उन्होंने साफ कहा कि इस बार बीजेपी ने गलत राज्य को चुन लिया, क्योंकि राजस्थान की जनता और राजस्थान के वासी इतने कमजोर नहीं हैं। बड़ा फैसला हुआ है, दोनों ही वरिष्ठ नेताओं को, दोनों ही वरिष्ठ जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं उन दोनों की सदस्यता निरस्त कर दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसी के साथ जो कॉन्फ्रेंस है उसमें एक और बड़ी बात यह है कि कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस ने साफ तौर पर मांग की है कि गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री, मोदी सरकार में मंत्री हैं और जोधपुर से आते हैं, सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री होने के नाते एक अपने आप में वरिष्ठ पद पर है, उनके खिलाफ मांग की है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जांच की जाए और दोषी पाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसी के साथ कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि गजेंद्र सिंह शेखावत एक अच्छे पद पर हैं, इसलिए कहीं ना कहीं जांच को प्रभावित कर सकते हैं, इसको भी ध्यान में रखते हुए उनकी गिरफ्तारी की जाए। अगर ऐसा होता है कि वो जाँच को प्रभावित करते हैं तो उनकी पहले गिरफ्तारी की जाए, जिससे कि ये जो पूरा मामला है, पूरा षड्यंत्र है, उसकी निष्पक्ष जाँच हो सके। बड़ा मामला सचिन पायलट का, अब तक इस मामले पर कोई भी किसी तरह का बयान नहीं आया है, ना ही वो किस रुख आगे जाने वाले हैं, क्योंकि ये एकदम से जो एक राजनीति, जो एक रूपरेखा चल रही थी वो पूरी पलट चुकी है। तो अब सचिन पायलट का क्या रुख होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। वहीं 1 बजे आज याचिका पर सुनवाई होनी है हाई कोर्ट में, सचिन पायलट की तरफ से वो याचिका दी गई थी। वहीं भंवर लाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह बताए जा रहे थे कि उनके नाम है याचिकाकर्ता के रूप में। वहीं अब देखना होगा कि 1 बजे जब वो सुनवाई होती है उसमें क्या फैसला रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह ये प्रभावित हो सकती है। इसी के साथ एक चीज़ ये भी है कि विधानसभा की जो अध्यक्ष है उनकी तरफ से इनको नोटिस दिया जा चुका है। अब ऐसे में अगर विधानसभा अध्यक्ष उनकी सदस्यता निरस्त करते हैं या आगे क्या होता है, ये सब आज निर्णायक मोड़ है एक राजस्थान की राजनीति के लिए, राजस्थान के लिए, क्योंकि ऐसा सियासी उठापटक, ऐसा सियासी ड्रामा शायद ही इतिहास में कभी देखा गया होगा। वही बीजेपी को और केंद्रीय मंत्री और केंद्र सरकार, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, जो माना जाता था कि सरकारें गिराने में नंबर 1 का दर्जा हासिल था, उनको सरकारें गिराने में माहिर माने जाते थे गृह मंत्री अमित शाह, लेकिन इस बार एक तगड़ी पटकनी मिली है, इस बार एक तगड़ी टक्कर मिली है, क्योंकि राजस्थान में खड़े थे सीएम अशोक गहलोत।
इसीलिए कहा जा रहा है कि शायद जो अशोक गहलोत को जादूगर कहा जाता है, रणनीतिकार कहा जाता है, खिलाड़ी कहा जाता है राजनीति का, वो सिर्फ कहने के लिए नहीं कहा जाता है। इन 2 से 3 दिन में स्पष्ट हो चुका है कि किस तरह ये जो भाजपा का षड्यंत्र था उन्होंने खत्म कर दिया है। कहा जा रहा है पूरी तरह, जिस तरह के सबूत आ रहे हैं सामने, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं स्पष्ट होता जा रहा है कि किस तरह की एक रणनीति बनाई गई थी। आगे क्या कुछ होना है, अभी तक भाजपा की तरफ से इसमें कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि सतीश पूनिया का एक बयान आया है, सतीश पूनिया का कहना है कि हमारी उनको बदनाम करने की कोशिश हो रही है, बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, जबकि ये कांग्रेस के अंतर्कलह का मामला था। अभी तक गजेंद्र सिंह शेखावत का कोई भी बयान नहीं आया है इस मामले पे। वही वरिष्ठ नेताओं का, चाहे केंद्र के वरिष्ठ नेताओं, क्योंकि इसमें केंद्रीय मंत्री इन्वॉल्व हैं मोदी सरकार के, लेकिन अब तक मोदी सरकार में किसी भी बीजेपी में किसी भी वरिष्ठ नेता का कोई भी बयान नहीं आया है। चुप्पी साधी हुई है, हर छोटी छोटी बात पर ट्वीट करने वाले और हर छोटी छोटी बात पर बयान देने वाले बीजेपी के दिग्गज नेताओं में से किसी भी नेता का इस मामले पर अभी तक कोई बयान नहीं आया है। इसी तरह की बड़ी खबरें, और राजस्थान में जो ये उठा पटक चल रही है, हर पल जो राजस्थान की राजनीति रंग बदल रही है, हम आपको ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। हर खबर क्या कुछ चल रहा है नया, वो आपको बताते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पर आप तक वो वीडियो पहुंचा सकें और खबर आपको मिल सके। नमस्कार।